गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज फोर्थ क्लास हम देख रहे हैं द इंग्लिश ग्रामर द सेंटेंस। क्या है बेटा ये? फोर्थ क्लास का है, जो भी फोर्थ क्लास है आप देख सकते हो। अगर आपके पास बुक है ठीक है, अदरवाइज मेरे पास बुक आया है पीडीएफ फाइल, तो मैं आपको बना रहा हूँ जो फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस। ऐसे आपका हो चुका है, फिर भी दोबारा मैं आपको रिवीज कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। एक लाइन देखो, ए काइट ए फ्लाइंग एम, कोई मतलब आ रहा है? नहीं आ रहा है बेटा। एक पतंग उड़ रहा है हूँ, ये क्या मतलब आया? ये देखो, वेस्ट में जो बेकार चीज है, कभी नहीं समय आपका। अरे आप कभी अपना समय नष्ट मत करो। ओके, यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ऐसे होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा सीधा दे रखा है। इसका अर्थ है, सेंटेंस हम किसे कहते हैं ना, जो कि एक प्रॉपर मीनिंग प्रॉपर ऑर्डर में हो और वो एक आपको कंप्लीट सेंस दे, समझ रहे हो ना? जैसे मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, अपना समय वेस्ट मत करो, इसको बोलते हैं एक कंप्लीट सेंस। इसके में मतलब एक कंप्लीट मतलब आ रहा है। मैं बोलूंगा क्या है ना, मैं बोलूंगा लाडली स्कूल फिर खाना, ऐसे थोड़ी होगा। लाडली स्कूल गई फिर आके खाना खाई, ठीक है? और उस प्रकार की चीजें आप नहीं हो सकता। तो व्हाट इज कॉल्ड सेंटेंस ना, सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में तो यहाँ लिखा हुआ है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्लियर हो गया? सेंटेंस क्या होती है ना, कोई भी सेंटेंस शुरू होगा बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर आपको पता है, आपको कैसे लिखते थे? ए, इसको कैपिटल लेटर बोलते हैं, ठीक है ना? ये ए बी सी, ये जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो एंड होगा फुल स्टॉप से एंड होगा। एक सेंटेंस किससे एंड होगा? फुल स्टॉप से एंड होगा, ठीक है? ईच काइंड ऑफ सेंटेंस यूजेस ए स्पेसिफिक पंक्चुएशन एट द एंड। ऐसे जो मतलब एंड में अलग अलग प्रकार की पंक्चुएशन लगेगा। क्वेश्चन मार्क हो तो क्वेश्चन मार्क लगाओगे, एक्सक्लेमेशन लगाओगे, अलग अलग चीजें हैं। सारे लाइन एक जैसा बेटा थोड़ी होता है। आप कल क्या खाए तो क्वेश्चन मार्क आएगा। बेटा इधर आओ, ये मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, इधर आओ। तो उस प्रकार की अलग अलग प्रकार की लाइन अभी हमें देखना है। स्टेटमेंट क्या होता है? ये स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस व्हिच टेल समथिंग एंड एंड विद ए फुल स्टॉप। कुछ वो कह रहा है, ठीक है? कोई भी सिंपल लाइन होता है वो स्टेटमेंट में आता है और उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। इंडिया इज ए बिग कंट्री, फुल स्टॉप है, इंडिया में आई बड़ा है। तो स्टेटमेंट में पहला जो होगा वर्ड वो आपका कैपिटल में होगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। क्लियर हो गए? उसे कहते हैं स्टेटमेंट। मैं पूछूंगा व्हाट इज कॉल्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस व्हिच टेल समथिंग एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप। अब क्वेश्चन मार्क में क्या होती है? क्वेश्चन इज ए सेंटेंस दैट क्वारी समथिंग, कुछ पूछ रहे हैं। बेटा आज आप खाना खाए? डू यू ईट फूड? ओके, वेयर डू यू लिव? ठीक है, डू यू टेक टी? डू यू ड्रिंक मिल्क? ये सारे जो लाइन है देखो, ये लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क होती है, ये जो मार्क होती है इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। इससे पता लगता है कि ये लाइन कौन सी लाइन है, क्वेश्चन मार्क है। कमांड क्या होती है? जब आप किसको ऑर्डर दे रहे हो, बेटा सिर्फ ये ऑर्डर दिया हुआ है इसलिए कमांड है, नहीं तो ऐसे लाइन को इंपरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। कमांड दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, गेट आउट, कम ऑन, ओके, कम हियर, डोंट स्मोक, ये लेकिन आपकी बुक में कमांड दे रखा है तो आप छोटे बच्चे हो, कमांड ही पढ़ोगे। इसी लाइन को आगे जाके आप इंपरेटिव सेंटेंस भी आप पढ़ सकते हो। एक्सक्लामेटोरी कैसे? आपने अचानक कोई सांप देख लिए, हाँ कितना बड़ा सांप है, जैसे चिल्लाते हो आल्स आई एम लॉस्ट, ये जो साइन दिख रहा है एक्सक्लामेटोरी साइन है। ये देखो ये जो साइन है, एक लाइन खींचोगे, एक मोटा सा लाइन खींच के बिंदु दे देते हैं, ये समझ में आता है वो एक्सक्लामेटोरी लाइन है। क्वेश्चन मार्क के लिए क्या है ना, क्वेश्चन मार्क ऐसे करके ऐसे, ये देखो ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है बेटा? तो उसे इसका मतलब जहां पे आप स्ट्रोंग फीलिंग दिखा रहे हो, ठीक है, और एंड इट एंड्स विद एन एक्सक्लामेशन मार्क, ये जो मार्क होता है उसे क्या मार्क कहते हैं? एक्सक्लामेशन मार्क, ये जो है दे रखा है। ओके, नॉर्मली कमांड डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट। क्या होती है? बेसिकली कमांड में एक सब्जेक्ट नहीं होता। गेट आउट, उसमें सब्जेक्ट कहां से आया, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान देना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, पिक पुट ए टिक अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज ए सेंटेंस एंड क्रॉस अगेंस्ट द, क्रॉस लगानी है अगेंस्ट द वन व्हिच इज नॉट। रीड द पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ो। ये सेंटेंस है, जिसमें भी आपको मीनिंग नजर आ रहा है, उस लाइन में कुछ मतलब आ रहा है वो बेटा सेंटेंस है, जिसका कुछ मतलब नहीं आ रहा है वो आपका सेंटेंस नहीं है। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो,
ए हॉग इज ए बर्ड ऑफ स्प्रे, ये जो जो मैंने टिक लगाया वो सब सेंटेंस है क्योंकि उसके अंदर कुछ मीनिंग आ रहा है। इज व्हाट डूइंग जॉन, क्या मतलब आ रहा है? कुछ नहीं। टू स्कूल टुमारो, गो विल आई, मैं कहूंगा मैं, फिर खाना स्कूल, फिर नाना, ऐसे कुछ थोड़ी लाइन बन जाएगा। मैं कहूंगा मैं स्कूल गया, फिर आके खाना खाया, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, ये देखो हे क्या कर रहे हो जॉन, ऐसे थोड़ी होता है, ये सब सेंटेंस नहीं है। शीप आर ग्रेजिंग ग्रास, ये होता है, ये आर बीच में आता है, ऐसे लाइन नहीं होता है। तो जो जो मैंने एक दो तीन मैंने जो क्रॉस लगाया वो सेंटेंस नहीं है, और जो टिक लगाया वो आपका सेंटेंस है। ठीक है, अगर दीदी ने करा दी होगी, मैडम आपकी क्लास टीचर करा दी होगी, ठीक है, अदरवाइज आप इसको समझ लो। रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूज कैपिटल लेटर व्हेन एवर व्हेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ कहीं भी जरूरत है वहाँ लगानी है, और फुल स्टॉप भी लगाओगे। देखो कैपिटल लेटर आपको करनी है बेटा, देखो डू नॉट साउट, ये डी बड़ा आ जाएगा और यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। माउंट एवरेस्ट एम बड़ा आएगा, ई बड़ा आएगा, नेपाल में एन बड़ा आएगा, फुल स्टॉप लगेगा, समझ रहे हो बेटा। माई सिस्टर एम बड़ा आएगा, ए लालू एल एल बड़ा आएगा, फुल स्टॉप लगेगा। नेवर एन बड़ा आएगा, फुल स्टॉप लगेगा। ऑस्ट्रेलिया ए बड़ा आएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। तो क्या क्या करा समझ में आ गया? नीचे लाइन लिखोगे पूरा सेम लाइन, लेकिन एम कैपिटल लेटर में लिखोगे, ऐसे लिखोगे एम लिख के बेटा, और जो लाइन दे रखा है पूरा लाइन लिख दो, लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा दो, ये फुल स्टॉप होता है। सेकंड में आ जाओ, पुट ए फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। फुल स्टॉप जो स्टेटमेंट होता है कमांड वाला होगा, क्वेश्चन मार्क जहां पे डबल एच फैमिली हो या डू डज ऐसे दे रखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क जहां आपको दिखेगा बेटा लाइन में आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखेगा, ये सब। स्प्रिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू नेचर, फुल स्टॉप लगा दो, काम खत्म हो गया, स्टेटमेंट है ये। अल्स द चाइल्ड इज डेड, बेटा एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी लाइन एक्सक्लेमेशन मार्क दोगे। Who was your coach? आपकी कोच कौन है? तो क्वेश्चन मार्क दोगे। हुरे वी हैव वन द मैच, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, फुल स्टॉप लगाओगे। When are you coming? आप कब आ रहे हो? तो क्वेश्चन मार्क लगाओगे। डोंट स्मोक हियर, ये आप कमांड है, फुल स्टॉप लगाओगे। वी शैल ओवरकम सम डेज, फुल स्टॉप लगाओगे। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, ये बोला एक्सक्लेमेटरी है, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिख रहा है कोई। तो क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाए? नहीं बेटा, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, व्हाट एन आइडिया यू हैव, तो ये सब लाइन जो है एक्सक्लेमेटरी है। ओ व्हाट ए ब्लास्ट, ये एक्सक्लेमेटरी है। आर यू कमिंग टूडे, क्या जब आ रहे हो, क्वेश्चन मार्क है। तो जो जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लगाया वो क्वेश्चन मार्क है, और इसमें ये फुल स्टॉप लास्ट में, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप एक साथ नहीं लगता, इसलिए जहां क्वेश्चन मार्क है वहां फुल स्टॉप नहीं लगाना। अब आ जाओ डी में, आ जाओ डी में, क्या दे रखा है, ये उल्टी सीधे आपको दे रखा है, इसको आपको सही करना है, ठीक है बेटा। तो इसको, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, साथ में मैंने लिख दिया बेटा, क्योंकि मैं लिखूंगा वहां तड़ा मड़ा दिखेगा आपको, समझ में नहीं आएगा। एड शुड द डिड यू बार्ड, तो डिड यू शुड एट द बार्ड, ये डिड पहले आएगा, डिड यू एस एच डब्ल्यू ओ टी शुड एट द बर्ड, क्वेश्चन मार्क का लगेगा, ठीक है। ये देखो अफ्रीका इज ए कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका, ये पहला नंबर पे आएगा, फिर इज आ जाएगा, फिर इज ए, फिर कॉन्टिनेंट ये आ जाएगा। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, ये हु पहले आएगा, ये देखो यहाँ दे रखा है हु डिस्कवर्ड अमेरिका। ओके इंडिया, माई नेशनलिटी इज इंडियन, ठीक है, हम जो हमारी नेशनलिटी क्या होता है, भारतीय है हम। देखो सी इज टेकिंग फूड, ठीक है, सी इज टेकिंग फूड, टेक का टेकिंग हो गया, सी इज टेकिंग फूड, ये बेटा आपको लिख लेना इसके पास, इसमें लिखने में थोड़ा हैंडराइटिंग ऐसे दिक्कत होगा, इसलिए बेटा मैंने नहीं लिखा। जैसे मैं डिड लिखूंगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इस तरह से मुझे लिखना नहीं आता जो इसमें दे रखा है, तो इसीलिए बेटा आपको इसमें समझना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज है। अब आगे देखो बेटा, क्लियर हो गया होगा, तो इसको मैं मिनिमाइज कर दूं और आगे मैं इसको बढ़ा दिया। ई से द काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है, आर दे, ये कौन कौन सा लाइन आपको बताना है बेटा, क्वेश्चन मार्क है तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन जैसे आप ऊपर आपने देखे हो, जो आपको लाइन आप देख रहे हो कौन कौन सा लाइन है, स्टेटमेंट है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद आपका कमांड है, ये देखो ये सारे, ये कमांड है, एक्सक्लेमेटरी है, क्वेश्चन इज ए सेंटेंस, ये क्वेश्चन मार्क है जहाँ क्वेश्चन, तो आपको लाइन बताना है कौन सी टाइप का है, ठीक है। हु वांट्स टू लिव विदाउट ऑनर, देखो क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन सेंटेंस हो जाएगा। एंशियंट जर्मनी वॉज द मदर ऑफ मेनी रेसेस इन द वर्ल्ड, स्टेटमेंट है, सिंपल लाइन है।
ये देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क रखा है तो एक्सक्लेमेटरी लाइन है, फॉर एन अनसिविलाइज्ड पर्सन एक्सक्लेमेटरी मार्क दे रखा है एक्सक्लेमेटरी लाइन हो जाएगा, सिट डाउन आप किसको ऑर्डर दे रहे हो तो ये कमांड लाइन हो जाएगा, कमांड है, कमांड सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट और क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है बेटा, तो पता लग गया आपको, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, समझा भी दिया। अब आते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कैसे ना, मैं घूम रहा हूं तो मैं हो गया सब्जेक्ट और जो घूम रहा हूं वो हो गया प्रेडिकेट। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। रॉबिन इज डांसिंग, रॉबिन कौन दौड़ रहा है, रॉबिन वो सब्जेक्ट, क्या कर रहा है ना डांसिंग, ये आपका प्रेडिकेट। तो बड़ा सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ना इन ए सेंटेंस द पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सेंटेंस। ओके, प्रेडिकेट क्या होता है, जो व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कह रहा है सब्जेक्ट के बारे में वो प्रेडिकेट। राम खेल रहा है, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है, वो प्रेडिकेट। यू कैन ऑल्सो से दैट प्रेडिकेट टेल अस अबाउट द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का जो कार्य है जो है वो उसकी कार्य के बारे में बताना प्रेडिकेट का काम है। तो सेंटेंस दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। देखो कैसे लाइन है, ए शिप जंप ओवर द वॉल, ये शुरुआत वाले जो लाइन है वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है और उसके बाद जो ये वाला जो लाइन होती है वो आपका प्रेडिकेट है। आई एम गोइंग इन टू द रिवर, तो आई हो गया सब्जेक्ट। ओके, एम गोइंग इन टू द रिवर प्रेडिकेट। लाडली इज ईटिंग फूड, तो लाडली हो गया सब्जेक्ट, इज ईटिंग फूड हो गया आपका प्रेडिकेट। रोशन इज वीपिंग, रोशन रो रहा है, रोशन हो गया सब्जेक्ट, इज वीपिंग प्रेडिकेट। ठीक है ना, सुप्रिया इज ईटिंग फूड, तो सुप्रिया हो गई सब्जेक्ट, इज ईटिंग फूड हो गई प्रेडिकेट। ऐसे आ जाओ आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट में, ये देखो आप क्या दे रखा है लाइन देखो, रीड द सेंटेंसेस गिवेन बिलो, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। पहला तो आपको दे रखा है वी विजिटेड द म्यूजियम, सेकेंड में आपको सरा यहाँ लिखोगे, इज स्विंग ए ड्रेस फॉर द पार्टी इस तरफ लिखोगे, तीसरे में इंडिया इस तरफ लिखोगे लेफ्ट में, और जो छोड़ा हुआ है वो राइट में। फोर में माई ब्रदर सब्जेक्ट हो जाएगा और द रिवर्स नेक्स्ट में सब्जेक्ट, और क्या है मोरिया हैड सिक्स सन्स, मोरिया इधर सिक्स में सब्जेक्ट हो गया, हैड सिक्स सन्स वो आपका प्रेडिकेट। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई एडिंग सुटेबल प्रेडिकेट, जरूर नहीं है जो मैंने भरा वही लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो। लेम्स आर ड्रिंकिंग वाटर, द फार्मर इज गोइंग गोइंग इन टू द रिवर फॉर स्विमिंग, या द फार्मर इज गोइंग, ए पीकॉक इज ए ब्यूटिफुल बर्ड, ए द थीप इज कमिंग हियर, द पायलट इज ए ग्रेट मैन, या द पायलट फ्लाइज ए प्लेन, ये कुछ भी लाइन आप इसमें से भर सकते हो। जो क्लास टीचर आपको करवा चुके हैं फर्स्ट सेकेंड, आप कह रहे थे बार बार होमवर्क दो, मैं दोबारा समझा दिया आपको दिक्कत ना हो। ये क्या है, ये तो आपको सब्जेक्ट दे रखा है, प्रेडिकेट आप इसके साथ कुछ भी लगा सकते हो लेकिन एक मीनिंग आना चाहिए। आप ये मत कर देना लेम्स द फार्मर ए पीकॉक साथ में लिख दोगे, नहीं चलेगा, एक मीनिंग आएगा। लेम्स जो है वो आर ड्रिंकिंग वाटर, वो क्या कर रहे हैं ना, पानी पी रहे हैं। ठीक है, द फार्मर इज गोइंग देयर, द फार्मर किसान कहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है, ऐसे आप लाइन भर सकते हो। सी में आ जाओ, देखो सी में क्या करेंगे, स्नेक्स हैव स्केल्स, वी आर स्विमिंग इन द पूल, आवर टीम स्कोर टू गोल्स, दे आर एंजॉइंग द होलीडे, क्योंकि यहाँ आर है प्लूरल लगाओगे, बॉयज लगा सकते हो, वी लगा सकते हो, ही वॉज ए साइंटिस्ट, राम वॉज ए साइंटिस्ट, कुछ भी आप लगा सकते हो। ये मेरा क्या हो गया बेटा, सी हो गया। अब डी में आ जाओ, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, देखो ये वन है तो मैंने वन लिखा, टू है तो इसके साथ द पुलिसमैन आर ऑन गार्ड, खड़े होते हैं ए, तो उसे बार बार क्या करता है ना, आपका बाल काटता है, कट्स द हेयर। म्यूजिशियन क्या करता है, अलग अलग म्यूजिक दिखा रहा है कार्ड्स में। राइटर क्या करता है, बढ़िया बढ़िया वो सर सॉरी वेटर, वेटर क्या करता है, वेटर जो खाना खाना परोसता है वो आपको डिनर सर्व कर रहा है, रख रहा है आपको दे रहा है। टेलर क्या करता है बेटा, सिक्स में ना स्टिचेस माई न्यू ड्रेस, सिलाई कर रहा है वो अलग अलग ड्रेस। बर्ड्स क्या करते हैं बेटा, ना बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, आवर सोल्जर्स सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मैं कैन नॉट फ्लाई लिखा, क्योंकि पक्षी का उड़ने के साथ संबंध है, टेलर का स्टिचिंग के साथ संबंध है, बर्बर का कटिंग करने के साथ संबंध है, पुलिसमैन का वो गार्ड करने की मतलब देखने की, ओके ये सब है। तो ये सब चीज़ आपको भरना, नीचे मैच करके जैसे लिखा हुआ है ऐसे आप भर सकते हो। नीचे आ जाओ, इसके एक रह गया क्या, द बेलून रोज इन द स्काई, हाँ कहाँ, राइज रोज रिजेन है वो इसके साथ हो गया। फ्रॉग
क्रॉक्स इन द पॉन्ड। बेटा मेंढक है तो पॉन्ड में ही तो जाएगा, पुलिसमैन क्या करेगा, चोर को पकड़ेगा। यार थोरम क्या करेगा, बेटा मिट्टी खाएगा वो, गंदे की जो मोड़ बोड़ होती है। ट्रेन क्या करेगा, बहुत तेज से दौड़ेगा। बीज क्या करेगा, अरे बजिंग ऑन द फ्लावर, फ्लावर के आसपास घूमेगा, उसके ऊपर बैठेगा। ये विंड क्या होगा, ब्लोइंग जेंटली, बड़े प्यार से चलेगा। तो आप इसकी मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा। इसको आपको मिलान, इसके साथ ये लिखोगे, इसके साथ ये लिखोगे, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके बेटा, तो आपको छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, फोर्थ में, आप मुझे जरूर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। नंबर आपको नहीं पता है, आप सेव कर लो। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बेटा पूछ सकते हो। ऐसे स्कूल में आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मैंने आपको दोबारा मैंने आपको समझा दिया। फोर्थ क्लास की मैंने आपको मैथ का मैंने वीडियो डाला, आप देख सकते हो। इंग्लिश, साइंस, साइंस आज शाम को डल जाएगा, और चीज़ें भी आपको मिलेगा। तो आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हो बेटा, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जिससे कि आपको आगे और वीडियो मिलेगा। अभी सरकार के सर जो ऑर्डर हैं, अभी 1 महीना और लॉकडाउन बंद रहेगा, जिसके कारण स्कूल में आपको जो काम मिल रहा है बेटा, ऑनलाइन में जो काम मिल रहा है, उसको आप नोट आउट कराओ और करके मुझे आप चेक कराओ, ठीक है। और पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है, उन पर ध्यान दें। ओके, बाय, टेक केयर बेटा।